एक्स्ट्रा पावर रूपा सिंधु। हेलो दोस्तों, तो हम जो है अभी ग्राहक के वहाँ पर जा रहे हैं जो कोल्हापुर के पास है। सोडा बोटलिंग प्लांट उन्होंने हमसे ख़रीदा हुआ है और उनका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसा उन्होंने हमें कहा। तो देखिए, अहमदाबाद से कोल्हापुर जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इतना लॉन्ग जो है ऑन द वे कार लेके आना सेल्फ ड्राइविंग पे और सीजन के अंदर। अभी हम गर्मियों में निकले हैं ग्राहकों को मिलने के लिए कि उनका बिज़नेस जो है कैसा चल रहा है। हमारे ग्राहक का बिज़नेस जब ग्रोथ करेगा तो हमारा बिज़नेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, ये हमारा मानना है। हमारे कस्टमर जो है हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, तो हम हमारे फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात जो है लेते रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर कामयाब बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा कि कामयाब बिज़नेस की शुरुआत कैसे की जा सकती है, कम इन्वेस्टमेंट में अपना खुद का ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है, और ये जो बिज़नेस है वो कितने महीने तक आपका चलेगा, इसके अंदर जो है वो आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, कितना मैन पावर रहेगा, क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, ठीक है, और मशीन को कैसे खरीदा जा सकता है, इस तरीके के सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तो हम पहुंच चुके हैं हमारा ग्राहक के पास। इधर गाड़ी सामने जो है लगा दिया है हमने और अब जो है हम चल रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? तबीयत पानी कैसा है सर? देखिए, आ गए गुजरात से आपको मिलने के लिए स्पेशल सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये छोटे से गांव के अंदर जो है पूरा सेटअप जो है कस्टमर ने केवल सेल लगा के कर दिया है। देखिए, इधर जो है पूरा इनका तबेला है और इधर जो है उन्होंने, ये उनका घर है ग्राहक का, और यहाँ पर घर के बाहर ही जो है फैक्ट्री की शुरुआत कर दी है हमारे कस्टमर ने, और यहाँ पर जो है लाइव प्रोडक्शन चालू है। अब देखिए, यहाँ पर जो है सामने प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। सोडा बोटलिंग प्लांट लगा है 1+1 का, SS ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सोडा बोटलिंग प्लांट 1+1। और यहाँ पर जो स्टिकरिंग का काम चल रहा है, पैकिंग का काम चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इधर एम्प्टी बॉटल का जो स्टॉक है, सबसे पहले जो ये कोल्ड ड्रिंक्स के बिजनेस की शुरुआत होती है वो आपको जो है रॉ मटेरियल के अंदर जो है एम्प्टी बॉटल से होती है। ये पूरा जो है एम्प्टी बॉटल जो है रखा हुआ है स्टॉक के अंदर, ये देखिए आप, सारा एम्प्टी बॉटल्स है ये सर। अपने पास जो है वो ये जो एम्प्टी बॉटल्स है, कहाँ से लिया है सर? कहाँ से लेते हैं एम्प्टी बॉटल्स? सांगली कोल्हापुर। सांगली और कोल्हापुर से लेते हैं। कितने ग्राम का बॉटल रहता है सर जी? नहीं, वेट नहीं किया, बस वेट नहीं किया है। तो कितना ml का है? 200 ml का। 200 ml का कितने रुपए में पड़ता है? अलग अलग है, ये 3 रुपए से 3.30 रुपए तक जाता है। 3 रुपए से लेके 3.30 रुपए तक जाता है जी। ठीक है, क्या नाम है सर जी आपका? शशिकांत यादव। ये एड्रेस पता किधर लगा हुआ है आपका, ये सोडा बोटलिंग प्लांट फैक्ट्री? ये महाराष्ट्र में आता है, कोल्हापुर जिला। हाँ। चौका नाम का विलेज है, सांगली कोल्हापुर रोड पे। सांगली कोल्हापुर रोड पे जो है इनका, यहाँ पर जो है ब्रांड जो है स्टार्ट हो गया है। क्या नाम है आपकी ब्रांड का? कृपा सिंधु। कृपा सिंधु जो है नाम से जो है इधर जीरा सोडा जो है सेल हो रहा है ये मार्केट के अंदर। कितना रंग का बन जो है बना के मार्केट में सेल करते हैं? 24 का। ये 24 रंग का बना के सेल करते हैं आप? कितने रुपए में सेल आउट करते हैं? अभी यहाँ पे 175 चल रहा है। 175 में सेल करते हैं आप जी। अभी किसी को 5 कैरेट लेना है, 10 कैरेट लेना है तो इधर आके ले सकते हैं वो? हाँ, इधर आके ले सकता है। तो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो आके इधर लेंगे तो कितना कुछ डिस्काउंट मिलेगा उनको?
देखेंगे उसी हिसाब से क्वांटिटी पे सोचेंगे। क्वांटिटी अगर 100 कैरेट लेते हैं तो? हाँ तो सोचेंगे ना, तो डिस्काउंट दे सकते हैं। तो डिस्काउंट दे देंगे, कुछ कैरेट फ्री दे दोगे साथ में? देखते हैं, प्लेन रेट निकालेंगे। अच्छा, प्लेन रेट निकाल देंगे इनके लिए, बेस्ट। कौन सा फ्लेवर मेकिंग कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे? जीरा सोडा, ऑरेंज, जीरा ऑरेंज, और ये मैंगो है, और एक जो अपना स्ट्रिंग आता है एनर्जी स्ट्रिंग, ये भी जस्ट अभी प्रोडक्शन चालू हुआ है। सर, ये बिजनेस का आइडिया आपको कैसे आया? आपका पूरा बिजनेस जो है कैसे शुरुआत हुई, पूरी एक पूरी जर्नी बता दीजिए सर। हम पहले, हमारा एक दूसरा बिजनेस है, पहला जो नर्सरी का है, तो हम सोच रहे थे कि ऑफ सीजन के पीरियड में कुछ करने की सोच रहे थे, तो लेकिन उसी हिसाब से जब हमारा नर्सरी का थोड़ा सीजन कम हो जाएगा तो उसी हिसाब से आगे का 3-4 महीने में करने का सोच रहे थे, इसलिए हमने पहले पेप्सी मेकिंग और इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, उसी हिसाब से थोड़ा आइडिया आया और इसी बिजनेस में चले आ गए। YouTube पे तो सर बहुत सारी कंपनीज वीडियो डालती है, तो SS ब्रांड कंपनी को चुनने का क्या रीज़न रहा? नहीं, बहुत सारी YouTube के वीडियो देखे, लेकिन जो मशीन में मॉडिफिकेशन देख रहे थे उसी हिसाब से वो अच्छा लगा, इसलिए SS के पास चले गए। अच्छा, SS ब्रांड कंपनी का आपने देखा। अच्छा, दूसरी भी कोई कंपनी में विजिट के लिए गए थे? जी नहीं, वो YouTube पे देखे, एक ही चुना और वही पे विजिट कर दिया। अच्छा, तो वहाँ पर जैसा YouTube पे देखा गया था, क्या वहाँ पर ऐसा ही आपको देखने के लिए मिला था SS ब्रांड कंपनी में? सर जी हाँ। अच्छा, वैसा ही सब देखने के लिए मिला जी। अभी आप जो एक बड़ी ब्रांड के बाजू में जो है अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं जी हाँ, है ना, देख सकते हो। सर थोड़ा प्रोडक्शन करके दिखाइए, अभी स्टिंग चल रहा है ना? स्टिंग चल, सोडा कैसा निकलता है? स्ट्रांग निकलता है? स्ट्रांग निकलता है सोडा? निकलता है। देखिए यहाँ पर बॉटल वॉशर का सिस्टम लगा के रखा है, बॉटल वॉश हो जाता है सर? हाँ, देखिए ये बॉटल वॉश हो रहा है। देखिए पहले बॉटल वॉश किया सर ने, फिर जो है यहाँ पर जो है सोडा फिल करते हैं, ये सोडा फिल हो गया है। सोडा के बाद जो इधर सिरप फिल किया जाता है, देखिए आप, ये सिरप फिल हुआ है, और यहाँ जो है आपका कैप लगेगा। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, रेडी, तैयार हो गया। देखिए ये नाना कौन है? बड़े भाई। बड़े भाई और एक भाई है। आप खुद कर लेते हैं प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं। तो इजी है? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? नहीं, 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 नहीं। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई का, कोई ट्रेनिंग का जरूर पड़ा आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँ क्या सर? एक मिनट, आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा सर, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूँ। देखिए ये जो ट्रे है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं अपन, इससे क्या होगा ये आपका जो बॉटल है ना वो कम पड़ता है, कम पड़ता है। देखो ना, अभी देखते हैं, वो बॉटल आपका हाइट वाला है ना, इस वजह से फिर भी लाओ ना, तो होते सर। हाँ, ये हो गया ना? हाँ, पकड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, पकड़ना नहीं पड़ेगा। एकदम बढ़िया रहा सर। ओके ना, एकदम फाइन, एकदम फाइन। अभी देखा ना प्रोडक्शन? हाँ, प्रोडक्शन चालू है ना सर। चलो जी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मटेरियल तो आया टाइम पे, थोड़ा डिले हो गया ईद के कारण, रमजान ईद के कारण। जी जी सर, तो दिक्कत उसमें कोई नहीं है जी। और पूरा मॉडिफिकेशन क्या है जी? तो ये आरो अलग, ये अलग, वो अलग नहीं, वॉश भी इधर होता है बोतल, काम भी धक्का धक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा हमको भी सजेशन करने का है, जो सामने वाला भैया ने बोल देना, ब्रदर ने, वो सामने वाला जो प्लेट है ना सामने, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। मैंने अभी जस्ट सजेस्ट किया उनको, क्या ना उनको, ठीक है। देखो ये अभी अभी उनको पकड़ना नहीं पड़ रहा है सर, अभी देखिए आप, एक इसका डिजाइनिंग थोड़ा हमको चेंज करने का। हाँ, ये हो जाएगा अगर करना हो तो, बाकी आप देख लो। सॉरी, आप देखो ये ना, यहाँ पर ऐसा बोतल रखा, देख लो आप, सही है, ये बोतल रखा ना, ये पकड़ना नहीं पड़ रहा है। ओके ओके, और यहाँ पे रखा देखो, अभी ये भी पकड़ना नहीं पड़ रहा है, पहले पकड़ना पड़ रहा था ना।
और आपका जो जीरा है ना तो बहुत उसका अच्छा क्वालिटी है। अच्छा। बाकी का हमने मार्केट में सर्व किया, सर्च किया। अच्छा। लेकिन आपका तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। पांच ही कंपनी है मार्केट में। अच्छा। लोकल में जो पांच छह बिकते हैं ना उससे भी बढ़िया स्ट्रांग सोडा लगता है। फ्लेवर अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छा है और अंदर का पावर मशीन भी अच्छा, माहौल अच्छा है। तो हमारे अभी जब मार्केट में सैंपल लेके गए थे 10-15 काउंटर पे, सभी का रिपीट ऑर्डर आया है। अच्छा, जितने लोगों को सैंपल दिया उनका ऑर्डर, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। अच्छा, हम बोल रहे हैं मार्केट से भी अच्छा है, मार्केट से भी अच्छा है और लोगों के जिससे ज्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी कंपनी से अच्छा जाता। तो थोड़ी क्या होता है, जो अभी मैन्युफैक्चर हम जैसे नए हैं उनको भी थोड़ा सीखना चाहिए। अरे बिल्कुल, एसएस वालों ने से भी दिया लेकिन खुद का भी दिमाग उसमें लगाना चाहिए। तो ये होता है ना, तो चार पांच कंपनी का फ्लेवर ले लीजिए, खुद इंस्ट्रूमेंट करके देखिए, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो देखिए मार्केट में आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, आपका जो फ्लेवर था वो लिया, उसका सैंपल बनाया। तो आपने जो रेशियो दिया था हमको गाइडलाइन, उसमें भी हमने थोड़ा चेंज कर दिया। आपका अलग है, इधर पानी उधर का क्लाइमेट, थोड़ा सभी कंपनी का फ्लेवर अलग रहता है, अलग रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हो गया हमको डिले हो गया मशीन मिलने में। तो उसके बाद आपके साथ 7 दिन छुट्टी थी, तो उसके लिए हम थोड़ा तकलीफ हुआ हमको, बाकी कुछ तकलीफ नहीं है। अच्छा। और जो उनको हमको प्रॉब्लम आया था, तो आपके नीरज सिंह थे ना, उन्होंने वीडियो हमको सेंड करके वो भी सॉल्व किया था आप आने से पहले भी। तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस आपका सर्विस रहेंगे तो हम बिजनेस भी अच्छा कर पाएंगे, छोटा का ना और बड़ा कर पाएंगे। सर आप बड़ा मशीन लेंगे, अब से ही लेंगे, अब सर्विस अच्छी देंगे। देखिए इसमें तो बहुत फ्यूचर है। जो काम बंदा करेगा उसको काम मिलेगा, जो क्वालिटी सर्विस देगा वो तो रुकने वाला ही नहीं है। सही बात है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको रिपीट ऑर्डर देंगे, लेकिन ऐसे छोटा नहीं लेंगे, बड़ा लेंगे। खाली उसमें हमको सोडा ही ज्यादा चलेगा, तो बाकी का वो देखेंगे हम कैसा बनाने का, कौन सा मैंगो रहेगा बाकी रहेगा। सामने आके बात करेंगे क्या चाहिए कुछ क्या नहीं चाहिए, ऐसा करना हमारा कुछ भी लगता है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन ऐसा कीजिए सर, वो बना के तो लेके अंकर काम करेंगे फिर। बिल्कुल, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज मशीन बनवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें, ग्राहक वहाँ पर मशीन आती है उसको रखता है, फिर वो प्लम्बर को बुलाता है, पानी का टैंक फिट करवाता है, आरओ प्लांट फिट करवाता है, और ये सारी चीज़ें फिटिंग हो जाने के बाद आपका जो है जो चीनी रहता है वो मंगवाते हैं आप, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद रेडी रखते हैं, फिर टेक्नीशियन आता है। तो टेक्नीशियन आके क्या है कि मशीन इंस्टॉल कर देगा आपका, केवल जो है ना आधा घंटे एक घंटे उसमें उसे काम खत्म हो जाता है, आधा घंटे में हो गया। आधे घंटे में उसका काम, 15 दिन हम काम कर रहे थे लेकिन आपका काम वो 10-15 मिनट आधे घंटे में खत्म कर दिया। आधे घंटे में वो काम कर देगा, फिर आपको बताएगा सर के कैसे बिजनेस को करना है, कैसे मशीन को चलाना है। आप जो है उसको जितना सवाल पूछोगे वो उतना आपको अच्छे अच्छे जो गाइड करेगा। नहीं नहीं, वो सर्विस आपका होते हो, जितना हमारे मन में संदेह था सब उसने क्लियर कर दिया है ना, कर दिया है ना। आपके जो भी क्वेश्चन है उसके पूरे पूरे आंसर दिए, आंसर उसने दिया और राइट टाइम पे आए, राइट टाइम पे काम करके राइट टाइम पे चले भी गए। लेकिन दिक्कत नहीं, और देखिए आपका जो मेंटेनेंस वाला टीम है उधर का, वो फोन रिसीव करते हैं, मार्केटिंग वाला बाद में रिसीव करेगा, नहीं देखेगा, लेकिन मेंटेनेंस वाले से भी उठाते फोन, आफ्टर सेल सर्विस आपको रिस्पांस देता है, रिस्पांस उसका मिला, उसने रिसीव किया फोन जी, जब भी कॉल किया तो आप रिसीव करते, उसने रिसीव किया, कॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं करता। नहीं नहीं, कॉलिंग डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए, एक बार परचेस हो गए ना उधर ध्यान भी नहीं देखते फिर। नहीं, परचेस होने से पहले भी अगर नया भी कॉल लगाते हैं तो आपको वहाँ पर वेटिंग मिलेगा, वेटिंग मिलता है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में नहीं मिलता। नहीं नहीं, क्योंकि वो हमारा ग्राहक है, आप हमारे फैमिली मेंबर हो चुके हो सर, बराबर। आपने हमारा मशीन ले लिया है, इसके लिए हम स्पेशल मिलने के लिए आए कि चलो इतना टाइम हुआ, सर का कैसा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इतने दूर से आए, आपका भी वेलकम कोल्हापुर में आए तो जी सर। और इतना काम करेंगे ना मिलजुल के सब मिलके, और सर्विस अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस बस अभी तक अच्छा रहा ना आपको, कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू लगा के लगातार रखे रहिए, उसमें सातत्य होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। बस बस, और क्या होता है, आप तो इसमें माहिर है लेकिन जब नया आदमी आता है तो उसको कुछ चीजें पता ही नहीं रहती, उसको वो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको तकलीफ होगा नए कस्टमर के साथ, लेकिन हमने आप समझो एक बार हमने 6 महीने यूज किया तो हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन नया तो सबको पता चल जाएगा क्या करना है क्या। स्टार्टिंग के अंदर भी आपने यहाँ तक ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करते हो गए, वहाँ तक आपको कोई ऐसा कोई तकलीफ हुआ कि आपसे हो ही नहीं रहा, ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं, हम ही कम पड़ रहे क्योंकि हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारा क्या हुआ कि 10 दिन उसमें गए किसके फॉर्मूला बनाने में, तो आपने फॉर्मूला भी अपना मोनोपोली वाला क्रिएट किया है। हाँ सही है, तो हम आपको भी सैंपल देने के, आपके वहाँ भी टेस्ट करके देखे, आपके पास तो बहुत सारे मैन्युफैक्चर है जी, तो आपका जीरा तो बहुत अच्छा है। बाकी हमने खुद क्या किया, इस मार्केट में ये सैंपल लेके जाओ, उस मार्केट में ये सैंपल लेके जाओ, उसका हमने फीडबैक लिया, फिर अरे यादव जी इसमें थोड़ा ऐसा है, तो हमने क्या बोला कुछ चीज़ें ज़्यादा है, ये ड्रिंक करो, कस्टमर का जो फीडबैक है
उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा फॉर्मुलेशन में चेंज कर दिया है और इसी हिसाब से नया बना के फिर से दे दिया, तो भगवान की कृपा से और हम पूरा साथ मिला और परचेज रिटर्न ऑर्डर मिल रहे। क्या बात है, कंपनी टाइप काम करना है सर हमको। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी कंपनी बनानी है, वो ब्रांड हमारा रहना चाहिए। वो कृपा सिंधु जो ब्रांड बनाए ना, तो ब्रांड ही के नाम ही चलना चाहिए, ऐसा हमारा सपना है। बिजनेस में जो ब्रांड है नाम से लोग जानते हैं, कृपा सिंधु से नर्सरी का हिसाब से, तो कृपा सिंधु जो है मार्केट के अंदर छाना चाहिए। हाँ सही है, हमारा क्या है, हम शुगर केन सीडलिंग पहले बनाते थे। अच्छा सही है, शुगर केन सीडलिंग आपके यहाँ तक आते हैं, बड़ौदा तक आपके एरिया में सभी आते हैं, तो गंदी भी है इधर तक आते हैं, उसके बाद हमने इसमें आना डिसाइड किया। तो हमारा जो ब्रांड है वही हम ब्रांड कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो गोस लो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में दो दिन पहले गया और बाद में रिटर्न आ गया, चल नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी कस्टमर को हमने सैंपल पीने को दिया, समझो कुछ जलन हो रही है क्या, कुछ तकलीफ हो रही है क्या, इसमें क्या होना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, ये फीडबैक करके हमने तीनों महीने बैठ के फिर फॉर्मूला बनाया और उसके बाद हम मार्केट में गए। तो फ्लेवर अभी किस कंपनी का है उस फॉर्मूला के अंदर? मैन मैन आपका भी है और अपोला का भी है, अपोला का भी है। हाँ। ना आपने मिक्स करके आपके हिसाब से क्रिएट किया है। हाँ, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो आपने आपने क्या बोला था उसमें कि हम पहले से ये सोडा बनाते थे। हाँ। तो उसमें आपने कुछ एक सब मिल जुल के सब मिक्स करके एक ब्रांड बनाया था। हाँ। वो बोला था आपने एक हफ्ते में खत्म किया। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम हमको वो बनाना नहीं पड़ सके। हाँ। तो हमने भी क्या किया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके लिया, अपोलो हो या और कंपनी हो, तो हम मिलके जुल के काम करेंगे, पूरा इसमें आर&डी करेंगे पहला क्वालिटी पे और टेस्ट पे, और बाद में मार्केट में जाएंगे। समझो अभी सीजन स्लो हो रहा है, लेकिन दीपावली के बाद नवंबर जनवरी में जब आएंगे ना, तो कस्टमर हमसे बोलेगा यादव जी इतना सेंड करो। समझ लो हमारा अभी ट्रेनिंग का पीरियड ही चल रहा है। ये सीजन पीरियड जो हमारा ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा है। जी 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 जी, अभी जितना भी ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर ये जो है इनको ट्रेनिंग समझ रहे, और आगे अभी बहुत फ्लो से बिजनेस करना है। ऐसी छोटी मशीन से भी अपने काम को जो है बेहतरीन तरीके से जो है ब्रांडेड जो है शुरुआत की जा सकती है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया सर ये बिजनेस को चालू करने? तो अभी हमने देखिए स्टार्ट टू एंड तक अभी तो हमने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ। खाली आपका मशीन हमने जो छोटा लिया है। हाँ। लेकिन आरओ है, बाकी चीज़ें है, हम और दूसरा भी हमने स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने 10-12 तक तो इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी लाएंगे तो ही आगे चलेंगे। तो समझो अभी मैंने छोटा वाला लिया, बाद में उसमें डबल लाना है, तो उसमें ज़्यादा पैसा गया। पैसे के पहले क्वालिटी वाला मशीन रहेगा तो दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल सारे तो चीनी सर, ये वो सारा है ना, स्टॉक और रॉ मटेरियल हो गया। अब इसको अगर हटा दे रॉ मटेरियल को और केवल मशीनरी की बात करें, तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, मशीन है, टैंक है इसमें? तो उसमें लगभग अपना तो गया 4 लाख तो गया। 4 लाख में मशीनरी ने सब चीजें जो है, टैंक आ गया, मशीनरी आ गया, सारी चीजें सारी चीजें आ गई उसमें। सही है, 4 लाख में ना बिजनेस की शुरुआत हो गई। रॉ मटेरियल तो आप चाहे 15 लाख का भी स्टॉक कर सकते। सही है ना, सही है। और ये दिक्कत है इसमें बोतल में, ये नहीं मिलेंगे तो हम फिलअप कैसे करेंगे? तो हर ओनर को या जो नया स्टार्टअप कर रहा है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करने का है, क्या नहीं है। सही बात है, तो एक इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। सही है, तो एक इसमें क्या है, मैंने बहुत सारा अभी हम शुगर केन सीडलिंग बनाते, तो वो धंधा अलग है, ये धंधा अलग, इसमें रिजेक्शन नहीं है। सही है, 3 महीने रखिएगा तो उसमें वो खत्म हो जाएगा। बाकी से जगह क्या बिजनेस करेंगे तो उसमें रिजेक्शन आएगा, एक्सपायरी डेट उसमें जल्दी रहती है। खाली ये चीज़ बनाने अलग है और बाकी फूड्स प्रोडक्ट बनाने की चीज़ अलग है। तो हमको ये बहुत अच्छा लगा जी सर, ये लाइन अच्छी लगी और आपकी कंपनी भी अच्छी लगी। अच्छा, तो प्रॉफिट जो है शुरुआत हो गया बिजनेस में, प्रॉफिट आना शुरू हुआ? नहीं, हमने प्रॉफिट को छोड़ ही दिया, हम प्रॉफिट का अभी कुछ लिखे भी नहीं है, दिमाग में नहीं है। पहला हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं क्वालिटी में। तो समझो ये पानी यूज़ किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसको ऐसा किया वैसा किया, तो कॉस्टिंग कितना बढ़ रहा है तो बाद में देखेंगे। पहला कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। समझो हम लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे तो कॉस्टिंग पूरा कम हो जाएगा। तो हम अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, तो उधर हम देखेंगे नहीं, बराबर मुनाफा हम देखेंगे नहीं। सही है ना, जो है क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, पूरा क्वालिटी पे पहला फोकस। देखो इतने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है अपने साथ मार्केट में, इधर छोटे वाले भी होते हैं, तो उसमें जाके हम अपना खुद नाम बनाएंगे और पूरा दुनिया का हमको कस्टमर नहीं चाहिए। समझो जिस मेरे क्वालिटी कस्टमर चाहिए, तो देखिए ये इनका ब्रांड
तो सर हमारी जो है एसएस ब्रांड कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट के लिए आप कितना स्टार देना चाहेंगे सर? पूरे 10 स्टार हो गए तो 10 स्टार दे देंगे। अच्छा, आप इनसे दे रहे कि कैमरा ऑन होने से पहले हमने आपको सिखाया है? नहीं, तो देना पड़ेगा ऐसा नहीं, हम बिजनेस में पुराने हैं, ऐसे वैसे नहीं। अभी समझो नया कार परचेस किया तो उधर शोरूम से पूरा देख कितना दे देंगे, अरे हम आपको 6 ही देंगे। लेकिन ये धंधा अलग है, सर्विस है ना बाद में वो कंटिन्यू मिलेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सेल सर अभी तक जो मिली है उसका आप बताइए सर। नहीं, सर्टिफिकेट पूरा सेटिस्फेक्शन है, पूरा सेटिस्फेक्शन है सर आपको, आपको सर पूरा पूरा समाधान है हम पूरा। आप सबकी ओर से सर कितना स्टार है? 100% बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जब कोई कस्टमर को अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला सर्विस मिलता है तभी वो 10 स्टार जो है हमारे एसएस रॉबर्टसन कंपनी को देते हैं। तो चलिए अब इनका प्रोडक्ट भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले दिखा गया नंबर पे आप कॉल करके इनका प्रोडक्ट जो है बाय कर सकते हैं। इस तरीके के जो है कैरेट यहाँ से आपको जो है डायरेक्ट भी मिल जाएगा। अगर आपका शादी ब्याह का ऑर्डर है, अगर आपका कैटरर्स का बिजनेस है, अगर आपका पार्लर है या आपका पान का गल्ला है, आप ये माल को लेकर सेल करना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, तो डायरेक्ट फैक्ट्री पर आके ये माल को खरीद सकते हो सर से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आगे हमको जो है वो केरला के लिए निकलना है और वहां पर जाके हम दूसरे वीडियो की शुरुआत करेंगे। हम निकलते हैं अगले वीडियो में, चलिए थैंक यू, हम सब कर देना सर।